विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ठाकुरगंज पहुंचे, जहां प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से की वोट की अपील। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सीमांचल की धरती पर सीमांचल की जनता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में की वोट की अपील। उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रत्याशी को आप विधानसभा भेजते हैं तो हम हर युवा को रोजगार देंगे एवं हर युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय खोलने के लिए लोन का प्रावधान करेंगे। उन्होंने राजद एवं बीजेपी को भी घेरा, कहा इतने साल आपने राजद एवं बीजेपी को देखा, बस एक बार हमें मौका दें। ठाकुरगंज किशनगंज से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टी न्यूज, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। आए हैं हम यहां पप्पू यादव जो बुआखाली के हाई स्कूल मैदान में अभी आए हुए हैं। आइए उनसे हम कुछ बातें करते हैं, आइए उनके पास हम ले चलते सीमांचल की आजादी, सीमांचल की गरीबी से मुक्ति, सीमांचल को बाढ़ से मुक्ति, मक्का पर 3 साल के अंदर शोषण मुक्त, हिंदू मुसलमान मुक्त, कोई दंगा नहीं होगा। ये मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, मैंने कहा कि एक एक करप्शन 6 महीने के अंदर किसी भी किसी से कोई पदाधिकारी पैसे नहीं लेंगे। और सीमांचल मेरा माँ की तरह मेरा घर है, मैं अपने माँ के घर में पहली बार कहा हूँ, एक बार अपने बेटे को छपड़ा क्यों, नालंदा और गुजरात क्यों, पप्पू क्यों नहीं। सर मुंगेर की घटना पर सर मुंगेर की घटना पर सब कुछ सर बिहार की जनता सर मुंगेर की घटना पर सर कुछ टोटल लोग सर मुंगेर की घटना पर सब कुछ सर मुंगेर की घटना पर सर मुंगेर की घटना पर कुछ सर हेलो हेलो नहीं जाता है कोई